नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिद्धिका मनोहर सोनी। और मैं हूं गरिमा गौर। आज बात करेंगे ट्विटर पर। ट्विटर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने एक दशक से ज्यादा मोबाइल पर अपनी बादशाहत कायम रखी, लेकिन अब ट्विटर का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ट्विटर अब ना आपको दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना ही आप उसे अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि अब ट्विटर जो है वो एक्स के नाम से जाना जाएगा। मेरी सहयोगी गरिमा हमारे साथ मौजूद है, आइए गरिमा से जानते हैं। गरिमा, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि ट्विटर की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। सिद्धिका, मैं आपको बता दूं, जो ट्विटर की शुरुआत है वो 21 मार्च 2006 में जैक डॉर्सी ने अपने साथियों के साथ मिलके की थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के दिलों में ये छाने लगा तब इसको ऊंचाइयों पे पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो ट्विटर है वो लोगों से इतना ज्यादा जुड़ा है क्योंकि उसमें विद इन अ सेकेंड और अ मिनट आप उसमें कोई भी अपडेट डाल सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि कितनी जल्दी अपन लोग कुछ भी कहीं पे भी पूरी दुनिया में हो रहा है और चंद सेकंडों में हम ट्विटर उसे जान जाते, अपडेट मिल जाती है। और मतलब ये बहुत ही इफेक्टफुल है लोगों की लाइफ में और बहुत ही अपनी अहम भूमिका भी निभाता है ट्विटर, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर से हमें सारी तरह की, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो या किसी भी तरह की, कहीं पे भी दंगे होते हैं वो भी आप देख सकते हैं कितना जल्दी उसमें ट्रेंड करने लग जाता है अपने को। मतलब कोई भी अपडेट रहेगी बहुत ही जल्दी ही उसमें मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क तो आप लोग जानते ही होंगे कौन है और इन्होंने क्या क्या किया है ट्विटर के साथ, क्योंकि ट्विटर में इतने चेंजेस किए हैं वो एलन मस्क ने ही किए हैं और लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने चेंजेस की है जिससे लोग खुश बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन एलन मस्क ने कब ट्विटर को टेक ओवर किया और कैसे किया ये सब हम जानेंगे सिद्धिका से। देखिए गरिमा, एलन मस्क ट्विटर को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 में 28 अक्टूबर को एलन मस्क ने ऐलान किया था। एलन मस्क ने ऐलान किया था कि वो 2023 में 13 अप्रैल को ट्विटर को खरीद लेंगे। एलन मस्क अपनी जबान पर कायम रहे और उन्होंने 13 अप्रैल को ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद भी ट्विटर में काफी बदलाव आते रहे, जैसे कभी फीचर्स को लेकर, कभी लोगों को लेकर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो 26 जुलाई को एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया था। उन्होंने ट्विटर का लोगो चिड़िया से बदलकर एक्स रख दिया था, जिसके बाद से लोगों में जो है वो मतलब बहुत एक हलचल मच गई थी। जैसे कि मैं मेरी बात बता देती हूँ आपको कि जैसे मैं मतलब मैंने अपना फोन खोला और मैं अपना ट्विटर चलाने लगी कि मतलब देखती हूँ भाई क्या चल रहा है ट्विटर पर, अपडेट क्या मिल रही है, क्या न्यूज चल रही है। लेकिन जब मैंने अपना फोन देखा तो मैं ट्विटर मतलब देख ही नहीं पाई, मतलब मैं ऐसे हो गई ट्विटर कहाँ गया। मतलब आई वॉज लाइक कि मैं ऐसे स्क्रोल कर रही थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ, मुझे मतलब पता चला न्यूज के थ्रू कि ट्विटर अब ट्विटर नहीं रहा है, ट्विटर अब एक्स हो गया है। तो ट्विटर का जो नया रूप है वो एक्स ने ले लिया था। करीमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि थोड़ा सा एक्स के बारे में समझाएं। देखिए, एक्स के बारे में वैसे तो आपने बता ही दिया है कि कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि एक्स देखो आ तो गया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि लोग इसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एलन मस्क ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। और आपको याद हो तो मतलब कुछ दिन के लिए शायद या एक दो दिन के लिए एलन मस्क ने शायद ट्विटर का एक और लोगो चेंज किया था। वो लोगो जो शायद वो डॉग से रिलेटेड था। यस, उसकी एक मूवी भी आई थी उस डॉग की, मैं आपको बता दूं, और उस मूवी का ही वो जो डॉग का पैटर्न था उन्होंने रखा। लेकिन गरिमा, आपको क्या लगता है कि जैसे डॉग का जो लोगो आया था वो तो मतलब नहीं चल पाया, उसके बाद एलन मस्क ने नया लोगो लाए एक्स, तो आपको क्या लगता है क्या एक्स भी नहीं चलेगा या वापस चिड़िया वापसी करेगी? देखिए, मैं बता दूं कि जैसे उस टाइम भी यही हुआ कि डॉग को हटाना पड़ा एक दो दिन में और वापस नीली चिड़िया लोगों की जो फेवरेट थी वो लानी पड़ी, तभी लोग मतलब उससे जुड़े रहे। और मैं ये भी बता दूं कि अब आगे भी मुझे लगता है कि यही होने वाला है कि जिस तरीके से एक्स उन्होंने चेंज तो कर दिया और यहाँ तक कि ट्विटर का नाम भी अब तो एक्स रख दिया। पहले तो लिंक में twitter.com आ रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा, अब एक्स। हाँ, क्योंकि अब जो हमारे फोन पे नोटिफिकेशन भी आता है, अगर कोई अपडेट भी आती है तो वो एक्स के नाम से, बिल्कुल वही आ रहा है। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब वापस से वो हटेगा शायद, और ब्लू चिड़िया जो नीली चिड़िया है हमारी जो सारे खत इधर से उधर पहुंचाती है वो ही आएगी और
मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि आपने सुना होगा कि एलन मस्क बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। अब ये नहीं पता कि आगे और भी क्या क्या चेंज करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव था अब तक का, क्योंकि नाम और लोगो चेंज करना तो बहुत बड़ी बात होती है। और तो मैं यही कहूंगी कि आपको याद हो कि एक कुकू ऐप आया था, वो किस जरिए वो किस जरिए से आया था वो हम इनसे जानेंगे कि वो किस जरिए से, क्योंकि देखिए कू ऐप जो आया था उसके पीछे हम जो ट्विटर का विवाद रहा था वो रहा था हमारी गवर्नमेंट और ट्विटर के कुछ पोस्ट को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2020 में किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन से देश का जो है पूरा माहौल ही बदल गया था। देखिए कुछ खालिस्तानी समर्थक थे जिन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ कुछ ट्विटर पर पोस्ट कर दिए थे। वो पोस्ट जो है हमारी सरकार ने ट्विटर को कहा था कि इन पोस्ट को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, लेकिन ट्विटर ने ये बात नहीं मानी थी। इसी बात से नाराज होकर गवर्नमेंट ने कू ऐप का समर्थन किया था। जी हाँ, कू ऐप भी ट्विटर को टक्कर देने के लिए लाया गया था, लेकिन कू ऐप भी ट्विटर से जो है आगे नहीं निकल पाया, क्योंकि जितनी जगह ट्विटर ने लोगों के दिल में बनाई है उतनी कू ऐप नहीं बना पाया। अगर आज की तारीख में हम देखें तो ट्विटर पे जो है कम से कम नहीं करते भी 50,000 करोड़ से ज्यादा मिलियंस फॉलोवर्स है, और बड़ी तादाद में ट्विटर को है जो लोग यूज करते हैं एज कंपेरेटिवली कू से। लेकिन गरिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए ट्विटर इंडिया में बहुत ट्रेंड करता है, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज में भी ट्रेंड करता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनमें ट्विटर बैन है? मैं बता दूं कि जो ट्विटर जो बैन है वो पाकिस्तान में जैसे कुछ टाइम के लिए था बैन, बट वहां पर अभी कंटिन्यू है पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन देखिए हाल ही में मुझे मतलब पता चला था कि जैसे ट्विटर जो है वो यूके, तुर्की और मिस्र, इन सभी कंट्रीज में बैन है। चाइना में भी बैन है ट्विटर, चाइना में भी है। हाँ, तो लेकिन गरिमा मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो नया जो लोगो आया है एक्स, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं या फिर इसे कम पसंद कर रहे हैं? अभी तक तो मेरा जो नजरिया है उससे तो लोग इतना ज्यादा खुश नहीं है एक्स को लेके, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे क्या आगे होता है, क्योंकि जिस प्रभाव जो पहले वाली ट्विटर यानी वो जो चिड़िया डाल रही थी वो प्रभाव नहीं लग रहा कि एक्स डाल पाएगा, और इस हिसाब से तो बहुत सारे चेंजेस तो आते ही रहेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको याद हो कि एक चेंज और किया था एलन मस्क ने, ब्लू टिक वाला। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ब्लू टिक का जो चेंज रहा था वो एलन मस्क ने करीब 2022 में 12 अप्रैल को कहा था कि 20 अप्रैल को सभी वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। देखिए वेरिफाइड अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फिल्म अभिनेत्री भी शामिल है, कुछ नेता भी शामिल है। फिल्म अभिनेत्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जैसे अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख खान हुए, इनके वेरिफाइड अकाउंट से जो है ब्लू टिक हटा दिया गया था। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हुए, और भी तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे जिनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था। लेकिन अगर हम अभी के समय के दौर की बात करते हैं तो अभी ब्लू टिक लेना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे कि जिसमें लोगों ने जो है कहा था कि हम हमारा अकाउंट इजीली वेरीफाइड करवा सकते हैं। इजीली कैसे वेरीफाइड करवा सकते हैं? कि हम ब्लू टिक जो है हम उसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन गरिमा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लू टिक खरीदने में क्या फर्क रहा, और फिर जिन लोगों का मेहनत से जो है अकाउंट वेरीफाइड होता है उसमें क्या फर्क रहा? देखिए कि मैं आपको बता दूं कि जो वेरीफाइड पहले वाले अकाउंट थे वो बिल्कुल ऑफिशियल और जनरल थे, मीन्स लोग जो ओरिजिनल थे, जिनका जो वो होता है ऑथेंटिसिटी, वो अब सभी खरीद सकते हैं। तो लोगों पे जो प्रभाव पड़ा है वो अच्छा नहीं पड़ा है। अब जो लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि क्यों खरीदें, क्योंकि अब तो ये कोई भी ले सकता है, रोड चलता है कोई भी इंसान खरीद सकता है कुछ पैसे दिए। जैसे अपन फोन में रिचार्ज कराते हैं उसी तरीके से अपने को उसका मंथली पे करना है और ब्लू टिक मिल जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि अनऑफिशियल लोग भी, हाँ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है, बहुत ही आम बात हो गई, क्योंकि पहले तो ऑफिशियलिटी थी। जैसे मैंने कुछ डाला मेरे अकाउंट में तो वो ऑफिशियल कहलाएगा, लेकिन मेरा जैसे कितने अकाउंट बने होंगे किसको पता है। अब उसमें कुछ आ जाए और वो वेरीफाई रहा तो लोग तो उसी पे बिलीव करेंगे, जैसे वो गलत न्यूज हो या सही न्यूज हो।
तो वही है कि पहले बहुत अच्छा था बट जो चेंजेस आ रहे हैं उससे मैं हाँ मतलब आप ये कहना चाहती है कुछ चेंजेस से लोग सहमत है और कुछ चेंजेस से जो है लोग सहमत बिल्कुल भी। हाँ जी, तो लेकिन गरिमा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि मतलब जो ट्विटर देखिए ट्रेंड पहले भी कर रहा था, ट्रेंड आज भी कर रहा है ना बिल्कुल, लेकिन आप एज कंपैरेटिवली बताइए कि ट्विटर में और चिड़िया में और एक्स में अभी क्या फर्क रह गया है। देखिए अभी तो एक्स आया है नया, तो अभी देखना पड़ेगा आगे कैसे क्या प्रभाव डालता है, कितना चलता है। अभी तो यूज कर ही रहे हैं लोग क्योंकि वो पहले से ही डाउनलोडेड है। अगर ये स्टार्टिंग से कोई नया ऐप आता और वो एक्स नाम से आता ट्विटर जैसा, तब तो कोई भी यूज नहीं करता। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इंस्टाग्राम है उसने भी अपना ट्विटर जैसा ही एक ऐप लॉन्च किया है थ्रेड, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, वो बिल्कुल। लेकिन गरिमा मैंने हाल ही में सुना है कि जैसे कू ऐप ट्विटर को टक्कर नहीं दे पाया था, वैसे ही थ्रेड भी टक्कर नहीं दे पाया है। सही कह रहे हैं आप, जैसे स्टार्टिंग में जब उसने मतलब वो जब लॉन्च हुआ तब 1-2-3 दिन मतलब लोगों ने उसको अकाउंट बनाए उस पे तो कुछ मिलियंस थे, बट अब धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम उस अकाउंट को हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उस अकाउंट को हटाया तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑलरेडी हट जाएगा। अब जो कुछ लोग थे जिन्होंने वो अकाउंट नहीं बनाया था वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने बनाया था वो फंस गए ना, क्योंकि वो अब ना थ्रेड को यूज कर रहे हैं और वो अब हटा भी नहीं सकते क्योंकि इंस्टाग्राम जुड़ गया है। गरिमा तो मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि ट्विटर को ना कू टक्कर दे पाया ना ही थ्रेड टक्कर दे पाया। अब ट्विटर से एक और जुड़ी मैं आपको बात बता देती हूँ कि देखिए आपने पहले देखा कि ट्विटर का लोगो पहले मतलब बीच में जो है एक डॉग के नाम से लोगो आया था, उसके बाद वो पसंद नहीं किया गया, एलन मस्क ने किसी भी कारण से उसे हटा दिया, उसके बाद वो एक्स लाए। एक्स का अभी क्या चल रहा है, कितना लोग उसे पसंद करेंगे कितना पसंद नहीं करेंगे ये फिलहाल कुछ समय बाद हम कह सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपने अगर एक छोटी सी चीज नोटिस की हो तो वो ये है कि पहले ट्विटर पे जो ट्वीट थे वो रीट्वीट होते थे लेकिन अब वो रीपोस्टेड होते हैं। ये एक ट्विटर के अंश में एक नया बदलाव आया है, तो रीपोस्ट के बारे में गरिमा थोड़ा सा बताएं आप। देखिए अब मैं इसके बारे में तो क्या ही कहूँ, क्योंकि जब मैंने भी कुछ पोस्ट करने की सोची तब मैं गई तो मैंने देखा कि ट्वीट क्यों नहीं लिखा हुआ रहा। मैंने उसको बहुत बार रिफ्रेश भी किया और एक बार स्विच ऑफ करके ऑन भी किया फोन कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाद में पता चला कि वो रीट्वीट हट ही गया है, मतलब अब वो रीट पोस्ट रहेगा। अब आप उसको पोस्ट कर सकते हैं लेकिन ट्वीट नहीं कर सकते, मतलब ट्वीट की जो पूरा जो उसका अहमियत थी सब कुछ अब उसको हटा दिया गया है, मतलब एक तरीके से वो हमें अलविदा कह दिया है। अब लग भी नहीं रहा कि वो आएगा, लेकिन हमें देखते हैं कि एक्स को ही मतलब अपनाना होगा कि क्या होगा। अब ये तो देखा आपने, हमारी सहयोगी गरिमा ने भी बताया कि जैसे अब आप जो है ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ रीपोस्ट कर सकते हैं। तो जैसा देखा आपने, मैंने और मेरी सहयोगी गरिमा ने ट्विटर से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आशा करते हैं कि जो आपके सवाल थे आपका उनको जवाब मिल गया हो, और बाकी बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम तमाम खबरों के साथ रोज आपके साथ आएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।